नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 22 फरवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, उससे पहले लूसेंट जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नो, भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है और इन 9 राज्यों में सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन है ये गुजरात राज्य की है। सेकंड क्वेश्चन, स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? तो स्टॉकहोम ये स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन जो देश है ये यूरोप के नॉर्थ में है। तो सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है, स्वीडन। अब आज की जो करंट अफेयर की क्लास है इसे हम स्टार्ट करते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लेवेंडर की खेती शुरू होगी, मतलब अब ये स्टार्ट हो गई है, तो ये किस राज्य में होगी? ये होगी देखो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जम्मू कश्मीर का जो रामबान जिला है वहाँ पर लेवेंडर कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका है, तो ये आप याद रखेगा। अगर देखो सिंपल भाषा में समझें, उद्देश्य क्या है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सके, तो ये उसका उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, उड़ीसा। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे मगरमच्छों की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। आसाम की सरकार ने अरुणोदय योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात जम्मू कश्मीर की हुई है तो इसका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगस्त 2021 में कुपवाड़ा में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कारखंडर योजना का अनावरण किया। जम्मू और कश्मीर के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने के लिए सुकून का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया। जम्मू और कश्मीर में एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी मिशन की शुरुआत की गई। कलिच फीसेंट को जम्मू और कश्मीर का पक्षी घोषित किया गया। किस प्रशासन ने, मतलब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में जैरी बस्ती को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। जम्मू कश्मीर का और करंट अफेयर कवर करते हैं। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। जम्मू और कश्मीर ने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल की शुरुआत की। जम्मू और कश्मीर ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ नामक एक विशेष पहल की स्थापना की। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक साइक्लोथोन कार्यक्रम पैडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई। अब लोकेशन देखें आप जम्मू कश्मीर की, यह है लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन तीनों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ भी जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसकी देखो दो कैपिटल है, श्रीनगर समर कैपिटल है, जम्मू विंटर कैपिटल है। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक साथ यूटी बनाए गए थे 31 अक्टूबर 2019 को। डाचीकम नेशनल पार्क, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है और इसका नाम अभी चेंज भी कर दिया गया था। क्या रखा गया था? हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं पंकज मित्तल। तो ये बात करी हमने जम्मू कश्मीर के बारे में। सेकंड क्वेश्चन, 19 फरवरी 2022 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 392 जयंती। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है और इनकी बर्थ एनिवर्सरी ये 19 फरवरी को मनाई जाती है। ये पॉइंट आप याद रखेगा। थर्ड क्वेश्चन, भारत और कौन सा देश ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस के रोड मैप पर सहमत हुए हैं? तो भारत और फ्रांस ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस इस मुद्दे पर अभी सहमत हुए हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शनों की, कनाडा। कनाडा की जो कैपिटल है यह है ओटावा। इसकी करेंसी की बात करें, कनाडियन डॉलर, ये इसकी करेंसी है। पेरू की बात करते हैं, कैपिटल क्या है? लीमा। और करेंसी क्या है? करेंसी है सोल। स्पेन की बात करें, स्पेन की जो कैपिटल है यह है मैड्रिड और इसकी जो करेंसी है
ये है यूरो। अब बात यहाँ पे फ्रांस की हुई है, तो लोकेशन देखिए आप, ये है फ्रांस, कैपिटल पेरिस है जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है, यूरो करेंसी है, इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं, जीन कास्टेक्स ये प्रधानमंत्री हैं। ये नीचे स्पेन देख रहे हैं आप, फ्रांस और स्पेन इन दोनों के बॉर्डर पे एक रेंज है, पायरीन्स रेंज, ये आप याद रखेगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। फोर्थ क्वेश्चन, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो ये मनाया जाता है 2022 में 21 फरवरी को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे ये मनाया जाता है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ये मनाया जाता है, और 19 फरवरी 2022 को वर्ल्ड पेंगोलिन डे ये मनाया गया, क्योंकि ये हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है 21 फरवरी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बीजिंग ओलंपिक गेम्स 2022 में सर्वाधिक मेडल किसने जीते, तो ये जीते हैं नॉर्वे ने, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है नॉर्वे। रशिया की बात करें, कैपिटल क्या है, रशिया की जो कैपिटल है यह है मॉस्को। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ये क्या है, कैनबीरा। और जापान की जो कैपिटल है ये क्या है, टोक्यो। अब बात यहाँ पे नॉर्वे की हुई है, तो लोकेशन देखिए आप, ये है नॉर्वे, यूरोप के नॉर्थ में है, ओस्लो कैपिटल है जो लार्जेस्ट सिटी भी है, नॉर्वे क्रोन करेंसी है, जोन्स गहर स्टोर ये प्रधानमंत्री हैं नॉर्वे के, ये नॉर्वे है, नीचे स्वीडन है और इधर ये फिनलैंड है। देखो ये जो स्वीडन देख रहे हैं आप, इसकी बाउंड्री सिर्फ यहाँ तक है, मतलब इसकी बाउंड्री ये जो रशिया है इसके साथ टच नहीं होती है, ये फैक्ट आप याद रखेगा। छठा क्वेश्चन, 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया, तो अभी ये बनाया अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। आसाम की कैपिटल, दिसपुर। मेघालय की कैपिटल, शिलोंग। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये जो स्टेट है यहाँ से कैपिटल काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। सातवां क्वेश्चन, साकिल बुल गनी का संबंध किस खेल से है, तो इनका जो संबंध है ये है क्रिकेट से, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं डी गौतम स्वैंग, सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए, रजनी सेठ इनको महाराष्ट्र का नया DGP अपॉइंट किया गया, आमिर सुभानी इनको बिहार का मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया। किसको आर्थिक विकास संगठन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया चेतन घाटे को, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है प्रियम गांधी मोदी ने, सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारे कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे, 18 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने वस्तुत रूप से विदेश कार्यालय परामर्श FOC के 9वें दौर का आयोजन किया, आर्मेनिया सही आंसर है। भारत सरकार, कर्नाटक और किस राज्य की सरकार तथा विश्व बैंक ने $115 मिलियन के लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए, उड़ीसा सही आंसर है। अमेरिका और किस देश के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास कॉप साउथ 2022 आयोजित हुआ, बांग्लादेश सही आंसर है। 2022 में किस तारीख को गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि मनाई गई, 19 फरवरी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत किस देश में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करेगा, तो UAE इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केरल का पहला कारवा पार कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा इदुक्की जिले में। ये हमारे आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल ने फरवरी 2022 में एक QR कोड आधारित तंत्र का शुभारंभ किया। सेकंड क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल जिला कौन सा बना है। थर्ड क्वेश्चन, भारत की पहली जैव सुरक्षा 73 मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च की गई। फोर्थ क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो 2022 कहां आयोजित होगा। पांचवा क्वेश्चन, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में की जाएगी। और छठा क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने हैं, इसको हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।